कुछ ऐसी परिभाषाएं हैं जो कि सिलेबस में तो नहीं है लेकिन वो आपको जानना बहुत ही आवश्यक है। उनमें से हैं सबसे पहले कज्जली, धातुर्भि गंधकादैश्च निर्द्रवे मर्दितो रसः सुसलक्षण कज्जलाभो अशो कज्जली इत्यभिधीयते, जो कि रस रत्न समुच्चय अध्याय 8 से लिया गया है। कज्जली जो कि एक महत्वपूर्ण परिभाषा है, इसमें क्या करते हैं, निर्द्रवे मर्दितो बिना जल के खरल में मर्दन करते हैं धातुर भी गंधकादैश्च, किसके साथ, रसा पारद के साथ। हम खरल में पारद डाल करके उसमें कोई धातु या गंधक आदि द्रव को डाल करके बिना जल के साथ अच्छी तरह से मर्दन करते हैं। तब तक मर्दन करते हैं जब तक कि वह सुसलक्षण चिकना ना हो जाए, कज्जलाभो असो कज्जली के समान ना हो जाए, यानी काजल के समान ना हो जाए, कज्जली इत्यभिधीयते, इसे हम कज्जली कहते हैं। इसके बाद है रसपंक। रसपंक सा द्रवा मर्दिता सैव रसपंक इति स्मृता, जो कि रस रत्न समुच्चय से लिया गया है। रसपंक हमने अभी कजली बनाई जो कि बिना जल की थी, अगर उसी में हम साद्रवा द्रव को मिला करके, यानी खरल में हम पारद रख करके उसमें धातु गंधक आदि द्रव्य रख करके अच्छी तरह से द्रव के साथ साद्रवा द्रव के साथ मर्दन करते हैं, और तब तक मर्दन करते हैं जब तक कि वह रसपंक यानी पंक यानी कीचड़ की तरह ना हो जाए। जब वह कीचड़ की तरह हो जाए तो उसे हम रसपंक कहते हैं। रसपिष्टि, इसके बाद खल्ले विमर्दम दुग्धेन गंधेन सह पारदम, जो कि रस रत्न समुच्चय से लिया गया है। खरल में हम पारद को डाल करके उसमें गंधक को लेकर के दुग्धेन गाय के दूध के साथ अच्छी तरह से मर्दन करते हैं जब तक कि वह सेमी सॉलिड यानी पिष्टी की तरह हो जाए, तो इसे हम रस पिष्टी कहते हैं। इसके बाद नवनीत पिष्टी। नवनीत पिष्टी में हम एक खरल लेंगे, खरल में हम पारद जो कि 1.5 तोला और गंधक जो कि 1.5 मासा, जिनका की रेशियो पारद लगभग 12 भाग और गंधक लगभग 1 भाग होता है, को लेकर के अच्छी तरह से कड़ी धूप में मर्दन करते हैं, और तब तक मर्दन करते हैं जब तक कि वह मक्खन के समान ना हो जाए और पिष्टी स्वरूप में आ जाए, इसे हम नवनीत पिष्टी कहते हैं। इसके बाद है पातन पिष्टि। पातन पिष्टि में हम एक खरल लेंगे, खरल में पारद 1 भाग, गंधक 1 भाग, स्वर्ण 1/4 भाग लेकर के अच्छी तरह से मर्दन करेंगे, इसी को हम पातन पिष्टि कहते हैं। इसके बाद है चंद्रार्क। चंद्रार्क चांदी जिसको हम रजत कहते हैं, 16 भाग लेंगे। ताम्र तांबा जिसे 12 भाग लेंगे हम, दोनों को लेकर के मूसा में रख करके कोष्ठी में अच्छी तरह से धमन करते हैं तीव्र अग्नि पर, जब दोनों धातु में गल करके मिल जाएं तो उसे हम चंद्रार्क कहते हैं। लोह सिद्धि। लोह सिद्धि पारद के द्वारा हल्की धातु तांबा चांदी लोह आदि से सोने का निर्माण करना कहलाता है लोह सिद्धि। देह सिद्धि पारद से बनी औषधियों के द्वारा रोग को और वृद्धावस्था को नाश करना ही देह सिद्धि कहलाता है।
अगला टॉपिक है द्रव्य वर्ग। द्रव्य वर्ग जिसमें तमाम द्रव्य आते हैं जो कि पारद, धातुएं और खनिजों के शोधन मारण में प्रयुक्त होते हैं। सबसे पहला है पंच मृतिका, इष्टिका गैरिक लोढ़म भस्म वाल्मीक मृतिका रस प्रयोग कुशलह कीर्तिता पंच मृतिका, जो कि रस रत्न समुच्चय से लिया गया है। इसे यह पांच मिट्टियों का संयोग है, इष्टिका चूर्ण, गेरू, सैंधव लवण, राख, वाल्मीकि मृतिका यानी दीमक मिट्टी। इन पांचों को एकत्र रूप से लेकर के हम मिला लेते हैं पीस करके, जिसे हम पंच मृतिका कहते हैं। रस प्रयोग कुशले, यह पारद के कर्मों में प्रयुक्त होता है और स्वर्ण के शोधन में प्रयुक्त होता है। इसके बाद है पंचगव्य, गव्यम क्षीरम दधि घृतम गोमूत्रम गोमयम तथा एकत्र योजितम तुल्यम पंचगव्यम इहो उच्चते, जो कि रस तरंगणी से लिया गया है। इसमें गाय की पांच चीजों का प्रयोग करते हैं हम, गाय का दूध गव्य क्षीरम, गाय का दही गाय का घी, गाय का मूत्र गाय का गोबर। इन पांचों को समान भाग में लेकर के मिला लेते हैं, जिसे हम पंचगव्य कहते हैं। एकत्र योजितम मिला लेते हैं, पंचगव्यम इहो उच्चते पंचगव्य कहते हैं। पंचा अमृत, गव्यम क्षीरम दधि घृतम माछिकांच अथ शर्करा पंचा अमृतम समाख्यातम रस कर्म प्रसादकम, जो कि रस तरंगणी से लिया गया है। गव्यम क्षीरम, गाय का दूध, गाय का दही, गाय का घी, माछिकांच शहद, शर्करा शक्कर, इन पांचों को हम समान भाग में लेकर के मिला लेते हैं, जो कि पंचा अमृत कहलाता है। रस कर्म प्रसादकम, जो कि रस कर्म में हम प्रयोग करते हैं। द्रावक गण, गुंजा मधु गुड़ सर्पी सौभाग्यम गुगलुस तथा पूर्व आचार्य कीर्तितो अयम धातु नाम द्रावको गणा, जो कि रस तरंगणी से लिया गया है। द्रावक गण, जो कि नाम से ही बता रहा है कि ऐसे द्रव्य हैं जिनका प्रयोग हम धातुओं एवं खनिजों को पिघलाने के लिए करते हैं। इसमें हम गुंजा, शहद, गुड़, घी, टंकर और गुगलू, इन सभी को लेकर के अच्छी तरह से मिला लेते हैं। सभी की मात्रा समान होती है। धातु नाम द्रावको गणा, ये धातुओं को द्रवित करते हैं अर्थात उनको पिघलाते हैं, उनको पिघलाने के लिए हम कार्य में लाते हैं, इसीलिए इसको द्रावक गण कहते हैं। मित्र पंचक, आज्याम गुंजा अथ सौभाग्यम छौद्रम चा पुरसंगकम एतत्तु मिलितम विज्ञैर मित्र पंचकम उच्चते, जो कि रस तरंगणी से लिया गया है। मित्र पंचक, यह पांच द्रव्यों का संयोग है, आज्याम घृत, गुंजा टंकर, छौद्रयानी शहद, पुरसंगकम गुगलू, इन पांचों को मिला करके हम एकत्र कर लेते हैं, जिसे हम मित्र पंचक कहते हैं। इसका भी प्रयोग हम धातुओं को पिघलाने में करते हैं, भस्मों की परीक्षा में करते हैं। लवण पंचक, सैंधवम चा अथ सामुद्रम बिडम सौवर्चलम तथा रोमक कांच चा इति विज्ञेयम बुधैर लक्षणम पंचकम, जो कि रस तरंगणी में बताया गया है। सैंधव लवण, सामुद्र लवण, बिड लवण, सौवर्चल लवण, रोमक अर्थात औद्भिद लवण,
इन पांचों लवणों को अगर हम मिला कर लेते हैं तो वह लवण पंचक कहलाता है। इसके बाद है क्षारष्टक, पलाश वज्री शिखरी चिंच अर्क तिल नालजा यवजह सवर्चिका चाइति क्षार अष्टकम उदाहृतम, जो कि भाव प्रकाश में बताया गया है। इसमें हम पलाश, वज्री स्नोही क्षीर, शिखरी अपामार्ग, चिंचा इमली, अर्क और तिल ये, इसके बाद यव क्षार स्वर्चिका क्षार, इन सभी को हम मिला करके जो कि ये आठ हैं इनको हम क्षार अष्टक कहते हैं। इसके बाद अम्लवर्ग, अम्लवर्ग यानी खट्टे द्रव्य, जांबीरम नींबू का चैव त्वा अम्लवेतस अम्लिका नारंगह दांडिम मान चैव वृक्ष अम्लम बीजपूरकम चांगेरी चड़क अम्लांच करकंधु करमर्दकः चुक्रिका चा इति सामान्याद अम्ल वर्ग प्रकीर्तितः, जो कि रसतरंगणी में बताया गया है। ये हैं जंबीरी नींबू, नींबू अम्लवेतस इमली नारंगी दांडिम वृक्षम्ल बीजपूरक नींबू चांगेरी चड़क अम्ल करकंदू यानी बेर करमर्द यानी करौंदा चुक्रिका, इन सभी को हम, इनमें से हम किसी को भी ग्रहण करें वो अम्ल वर्ग में आता है। इसके बाद है रक्त वर्ग, रक्त वर्ग वह द्रव्य जो लाल रंग प्रदान करते हैं, इसमें कुसुम्भ खदिर लाक्षा मंजिष्ठा रक्तचंदन आक्षीयु बंधुजीवश कपूरगंधनी माच्छिक, इन सभी को हम किसी को भी ग्रहण करें ये रक्त वर्ग के अंतर्गत आता है।